मामला है हमीरपुर जनपद के मोदाह विकास खंड का, जहां पर करहया, मदारपुर और छिरका गांव के बीच खेतों में आग लगने से सैकड़ों बीघा की खड़ी फसल जलकर राख हो गई, जबकि इस आग से छोटे बड़े लगभग एक दर्जन किसान प्रभावित हुए और अब उनके सामने परिवार पालने का संकट खड़ा हो गया। मौके पर पहुंची दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों और गाँव वालों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया गया, अन्यथा हजारों बीघा फसल को नुकसान हो सकता था। मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा और काफी मशक्कत कर कोतवाली प्रभारी राजेश चंद्र त्रिपाठी ने मामले को शांत कराया। हालांकि मौके पर पहुंचे तहसीलदार मोदाह रामानुज शुक्ला ने आग से हुए नुकसान का आकलन शुरू कर दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि लोगों की फायर ब्रिगेड की कर्मचारियों से भी झड़प हुई। अब देखना यह है कि इस आग से हुए नुकसान की भरपाई कौन करेगा। बहुत अरे इन्हें इनका फोन दिया का है ये आग कैसे लगी? आज दिनांक 9/4/2020 को समय कितना था? लगभग दो बजे मसूद नामक किसान के खेत से आग करीबन 300 बीघे की जल के राख हो गई, जिसमें कि किसान प्रकाश प्रजापति, सुराल यादव, राजकुमार अनुरागी और डालचंद प्रजापति, यहाँ तक कि 2 दर्जन किसानों के जल के राख हो गई। कितने बीघा खेत? करीबन 300 बीघे की। जब आग लगी थी आप वहाँ मौजूद थे? हम लोग 10 मिनट बाद आ पाए। आप मौजूद थे वहाँ? ये लोग थे, किसान थे जो आग कैसे लगी? आग का कारण अभी किसान बताएंगे कि कैसे कैसे लगी है। कतर के चले गए अपने खेत में आग लगा के कतरवाई की। आज क्या कैसे नाम है? खेतों में आग लगी है। हम आए हैं, क्षेत्र लेखपाल भी आ गए हैं। प्लाट टू प्लाट सर्वे कराया जा रहा है, जो भी जानकारी में आएगा उसके बाद कार्रवाई की जाएगी।